अस्सलाम वालेकुम आयो, हापुड़ में आए माए पाई मन के चावल अग्री मेरे को खिला जी, ठीक है सब पंचों को सनंद रहे। फाइमन अम्मा की तुम बोल दो माइक लेके, तुम बोल दो जोर से खड़ी हो के। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, बताओ को किया गुरु किस माई के चावल लग रहे हो? फाइमन अम्मा की अच्छे मेरा जी परदात गुरु सगर परदात गुरु की कर रही है। अच्छा भाई बताओ भाइयों इजाजत है, इजाजत है भाइयों को जी, इजाजत हो किसी ऊपर भी है कोई भैमन माई के ऊपर भी है कोई ऊपर मोबाइल बंद कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रही कोकिला पहाड़गंज वाली रहीसा का खरा पूरा मालिक, ठीक है ना, रहीसा का खरा पूरा मालिक, ये जो नाटक बाजीर रची है टूटे फूटों को लेके, ठीक है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन है, उनके कोई आगे पीछे मालिक है या नहीं है, सारे जितने बैठे हुए हैं सारे बिगड़े बैल, सारे बाईकाटी हिजड़े, सारे बाईकाटी हिजड़े, इनको एक भी मालिक नहीं अंगेजता, ठीक है ना, और बाकी जितने भी मेरी सौकन के हिजड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुम जो आए हो चावल रंगवाने के लिए तुम कौन हो, क्या चीज हो जो चावल रंगवाने को आए हो अच्छा नहीं होने का, अगर तुमने कोई उल्टा सीधा खेल करा ये अच्छा भी नहीं होने का। रहीसा तो मेरा है बाइकाट, ठीक है, रहीसा को हमने बैठाया, मुल्लानी माई को बैठाया, भले मेरा फाइमन माई के हिजड़े हैं मगर जो चौकट है तो चौकट है, जो कुछ करेगा चौकट करेगा, ये तो निकला बड़ा मकान है हमारा। कल के दिन हमने मुल्लानी माई को भी बैठाई, लिख के पढ़ के अलीपुर में बैठाई, नाट पड़ा हुआ था, ठीक है ना, और फिर रहीसा को भगाया कहाँ से, सांझापुर से, दो लड्डुओं का मुहूर्त बना के, अरे दो लड्डू की मुहूर्त क्या करने जा रही है, ए दो लड्डू की मुहूर्त तुझे भगाया नरेश सांझापुर से हिजड़े, कैसे करके भगाया, हाँ तू बहुत बड़ा हिजड़ा बन रहा, चावल रंगने जा रहा, खबरदार चावलों में हाथ डाला होगा, तू सिर्फ दादा वजीर तक है हिजड़ा, उसके आगे की नहीं है, और उसके आगे कोई खेल करेगा आगा पीछा सोच लियो, सन्नत हो गए सारे भाई। मैं कोकिला पहाड़गंज वाली और मेरी मंडी की माइये, मैं मंडी के माइयों से ये कहना चाहती हूँ, लड़ाई कौन सी सौकनों में नहीं होता, लड़ाई तो होता ही है सौकनों में, आपका भी कहीं ना कहीं, जैसे मेरा है ना, मैंने उसका बंदिश लगाया,
मैंने उसकी बायकाटी लगाया, मैंने उसका पाल्टी में, पाल्टी तो है नहीं, लावारिस पाल्टी ठीक है ना, उसके लावारिस पाल्टी का मैंने आवाज लगाया 25,000 की। और मुस्कान तुम हो मेरी सौकन, तुम जो आला झली में अपना खेल कर रही हो, आप भी आगा पीछा सोच ले, आपका भी कहीं पे कलाम आता जाता होगा। आप मेरे घरों में हाथ डालोगी तो कल के दिन आप भी सोच लो आपके मैं कहाँ कहाँ हाथ डालूंगी। जो आज ऐसे तिल बिला रही हो ना करंट की तरह, हाय देहरादून, हाय देहरादून, देहरादून में भी तुम्हारा कुछ भी नहीं आता जाता। हम कहे आता हो या जाता हो, तुम्हारी सोकनों की वजह से देहरादून से 25,000 दंड लेते हैं तुम्हारा, इनका तो कोई कलाम नहीं, नहीं पहाड़ा। हमारी हमारे घर मकानों में हाथ डाले जी, फिर पता नहीं हमें मैं क्या करूंगी ठीक है ना। सना दो सारे5,000 सोनिया नायक सोना घसेड़ा पहाड़ गया, 2,500 जगाधरी रेशमा नायक, 2,000 सपना सिरसा रेवाड़ी साजापुर, 1,000 सपना नायक और 10,000 कपड़े का और दो तोले सोना बड़ा भाई छोटे बहन को दिए संजू बहन भाई 10 बार बोल दिए। बहन भाई का सनद पहले दिया करो मेरी बहन, ये दोनों भाई बहन का सनद आ चुका। मेरा साजिद भैया सबसे पुराना बहन तो मैं ही हूँ, अभी ये अकेले तो बहन बन रही है। अरे चाय दे दे रे पतले पेट के, कब से मांग रही है। चाय वाले को कहीं मोटा है ना तो पतली होती, बहन को आधा तोला छोड़ रही है ना, अभी 1,00,000 रुपया है, 75,000 रुपया तोला हो 70 लगा लो, तो ये 1,50,000 सोने का कम दे दे और 1,00,000 रुपया कपड़े का निकल कपड़े का संजू अपने भाई को बड़े भाई को 1,50,000 सोना 1,00,000 रुपया है ना, छोटी बहन भाई को पकड़ो बिल्कुल नन्नी।